हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं अपूर्वा, एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल. मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में. अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में. इट्स नॉट समथिंग कि मेथड इम्पॉर्टेंट है, इट्स समथिंग कि ये जो टाइम है वो इस मेथड के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड इट्स फॉर समथिंग, एक नहीं जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं, विशेज़ हैं, आप उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो इस टाइम पे, ठीक है. एंड ऑब्वियसली बात है, नया साल स्टार्ट होता है, लोग नई नई चीज़ें डिसाइड करते हैं कि आज हम ये करना स्टार्ट करेंगे, वो करना स्टार्ट करेंगे. सो मैनिफेस्टेशन का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है यहाँ पे, ठीक है. सो फाइनली बेस्ट टाइम आ चुका है अपने 2024 को डिज़ाइन करने का, कि आप इस पूरे साल में क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे एंड कैसे आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. मैं ये नहीं कहूँगी हम सब परफेक्ट हैं, हम सब में कोई ना कोई कमी है, बट हमें खुद पे कंटिन्यूसली काम करना होता है, खुद की लाइफ पे काम करना होता है, हर चीज़ को इम्प्रूव करना होता है. एंड मेक श्योर कि आपका जो ग्राफ है वो ऊपर ही अप जाए, ठीक है. बिकॉज मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस या फिर कह सकते हैं मैजिक इसलिए स्प्रेड हुआ है बिकॉज यूनिवर्स भी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल लें एंड चीज़ों को बदलें, ठीक है. नो मैटर कोई आपको क्या बोलता है, क्या सिचुएशन है, एंड बिलीव मी बहुत अमेजिंग तरीका है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, जो भी आप चाहते हो वो चीज़ को मैनिफेस्ट करने का. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन बोर्ड्स के बारे में. वाई विजन बोर्ड्स? बिकॉज हम इसमें मल्टीपल विजन बोर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एंड ये उन सब के लिए है. कई बार क्या होता है कि हम ऐसे फैमिली में रहते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी विशेस को ऐसे ओपनली डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, एंड कई बार लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं. सो हर एक पर्सन को उनके ऑप्शन मिलेंगे आप किस तरीके से अपने विजन बोर्ड को क्रिएट कर सकते हो, सीक्रेटली भी रख सकते हो, जिससे आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ आपको मिले, ठीक है. तो बात कर लेते हैं मैनिफेस्टेशन विजन बोर्ड. एक वो बोर्ड जिसमें हम अपनी जितनी भी विशेज हैं उसको लगाते हैं, अपना एक गोल सेट करते हैं. आपने एक चीज़ सुनी होगी, अगर हम यूनिवर्स को बताएंगे ही नहीं कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या वो चीज़ मिलेगी, ठीक है. मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि हम डिवाइन पे छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बट एक्चुअली मैं दे कैन चेंज थिंग्स सिंस आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू माँ काली, एंड मैं काफ़ी लोगों के लिए मैंने गाइडेंस निकाली है. सो मैक्सिमम केसेस में एक चीज़ की गाइडेंस मुझे बहुत आती है लोगों के लिए, कि वो लोग मांगते ही नहीं है माँ से कि उनको चाहिए क्या, डिवाइन से उनको पता ही नहीं कि वो चाहते क्या है. सबसे पहले डिसाइड करना कि व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट. सबसे पहला स्टेप है डिसाइड करना, यूनिवर्स से मांगना. सो अगर आप इस टाइप की मेंटालिटी में, थिंकिंग में रहते हो कि जो होगी देखी जाएगी, हमें नहीं करना, तो ये चीज़ आपको कहीं लेके नहीं जा पाएगी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में एटलीस्ट, ठीक है. सरेंडर करना इज़ डिफरेंट स्टोरी, बट बिल्कुल क्लूलेस होना उन सिचुएशन में जहाँ आप चीज़ें कर सकते हो इज़ नॉट अ राइट थिंग, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट कि आप क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या नया गोल आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो. हालांकि भले वो चीज़ अभी नहीं है, बट आप कैसे अपने 2024 को देखते हो, ठीक है. सो मेक अ लिस्ट, आप क्या करना चाहते हो. आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस हो सकता है, कोई शॉप आप ओपन करना चाहते हो, या फिर आप एक किसी कंपनी में जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक एग्जाम की आपकी विश है वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई आपका बॉडी गोल है, हेल्थ गोल है, स्किन है, या फिर आप इस साल में एक जिम फ्रीक बनना चाहते हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हो, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, लग्जरी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहला है डिसाइड करना कि आप अपने आप से अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो, ठीक है. अब सेकंड स्टेप यहाँ पे आता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट जो भी आपकी विशेज है उससे रिलेटेड आपने कुछ पिक्चर्स को इंटरनेट से निकालना है, यहाँ पे डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, जो भी आप यूज़ कर रहे हो. सो धीरे धीरे आपने बैठ के अपनी एक एक विश से रिलेटेड अपने उन पिक्चर्स को आपने डाउनलोड करना है, ठीक है. एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप सिंबल्स में बिलीव करते हो, सिजल्स में आप लोग बिलीव करते हो, एंजल नंबर्स पे या स्विच वर्ड्स पे, मंत्रास में आप बिलीव करते हो, तो वो भी आप अपने विजन बोर्ड का पार्ट बना सकते हो. सपोज करो माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र इज श्रीम, ठीक है. तो श्रीम का एक हिंदी सिंबल है, आप इस सिंबल को भी अपने विजन बोर्ड में ऐड कर सकते हो फॉर दोज पीपल जो लोग मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं,
तो आप इस तरीके से और भी चीजें एडिशनली कर सकते हो, सिंबल्स आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो, सिजल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, सिंबल्स हो गया अगर आप रेकी में हो आप रेकी के सिंबल्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, या फिर जीबू सिंबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्रिएटिव हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ब्यूटी से रिलेटेड, मनी से, हेल्थ से, जो भी चीजें हैं आपकी विश के अकॉर्डिंग, आप उनको भी अपने विजन बोर्ड के लिए एड ऑन कर सकते हो। कह सकते हैं पूरी प्लानिंग आपने करनी है पहले से कि मैं क्या क्या चीजें इसमें ऐड करूंगा, एंड लिटरली आपने ये करते हुए अपना पूरा दिल उसमें डालना है कि हाँ लाइक दिस इज माई विजन बोर्ड एंड दिस इज इट। इट शुड बी समथिंग जिसको देखते ही आपके एकदम से वाइब्रेशन अप हो, यू शुड फील एक्साइटेड व्हेन यू सी दैट विजन बोर्ड, ओके। सो इस तरीके से आपने आराम से टाइम लेके, टाइम कंज्यूमिंग ये हो सकता है फॉर श्योर, बट आराम आराम से आपने अपनी चीज़ों को पिक करना है, पिक्चर्स को पिक करना है, या फिर आप अगर ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हो इस 2024 में, ठीक है, तो आप किस कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो, किस सिटी में आप ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक है, पासपोर्ट्स की फ़ोटो हो गई, या फिर आप फ्लाइट में जा रहे हो, आप यू नो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये सारी की सारी फ़ोटोज़ आपने इंटरनेट से डाउनलोड करनी है। मैं पर्सनली पिंट्रस्ट को प्रेफर करती हूँ इस सिचुएशन में, मैं पिंट्रस्ट से फ़ोटोज़ को लेती हूँ, डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं उन्हें फ़र्दर यूज़ करती हूँ, ठीक है। सो हमारे पास हमारे गोल्स आ गए, हमारे गोल्स से रिलेटेड पिक्चर्स आ गई, राइट। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिसाइड करना कि आप किस टाइप का विजन बोर्ड चाहते हो, ठीक है। सबसे पहले सिंपल बेसिक वाला है, आपने एक बोर्ड लेना है, ठीक है, चार्ट पेपर आप ले सकते हो, आपने धीरे धीरे करके उसमें पिक्चर्स को ऐड करते रहना है, उसमें आप एफर्मेशंस भी इनफैक्ट ऐड कर सकते हो। सपोज़ इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, आई अर्न 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, या फिर जो भी आपका गोल है मनी से रिलेटेड, आपने उस एफर्मेशन को बड़ा बड़ा वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हो, एफर्मेशंस ऐड हो गई, मंत्रास हो गए, एंजल नंबर्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, एंड पिक्चर्स भी वो पिक्चर्स आपने पिक करनी है पिंट्रस्ट से, बाय द वे जिसको देखते ही आपको एकदम ऐसे अच्छी वाली फीलिंग आए, एक्साइटमेंट आए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक तो ये हो गया, आपने उनको एक एक करके स्टिक कर लेना है, ठीक है, अपने चार्ट पेपर पे, एंड आपने इसको ऐसी जगह प्लेस करना है जो आपको दिखता रहे, ठीक है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो चीज़ आपके आसपास होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट जगह होती है आपके बेड के पास, कि आप जैसे ही सुबह उठो वो आपको सब कुछ दिखे, बट हर एक के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप इसे वर्क प्लेस में भी लगा सकते हो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे वो चीज़ लगी होती है, ठीक है, आप इस तरीके से वो भी कर सकते हो। अब सेकेंड तरीका विजन बोर्ड बनाने का क्या है, मेरे काफ़ी ऐसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, जिनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसे लगाना, एंड ऑब्वियसली बात है रूममेट्स होते हैं, लोग होते हैं, तो पीपल जज, ठीक है, एंड वी डोंट फील कम्फर्टेबल। वॉट यू कैन डू, प्रिंटआउट्स आप निकलवा लीजिए एंड मेक श्योर कलर प्रिंटआउट हो जिससे कि वो चीज़ दिखने में भी अच्छी लगे, बिकॉज हमें वो हर चीज़ करनी है जिससे वो हमें एक पॉजिटिव फील कराए, वो रियलिस्टिक हमें फील कराए, ठीक है। नोटबुक आपने लेनी है एंड आपने इन पिक्चर्स को उन पे पेस्ट कर देना है, स्टिक कर देना है। सो बेसिकली इट्स अ मैनिफेस्टेशन विजन नोटबुक। अब ये नोटबुक आपने कैसे रखनी है, आप इसको हमेशा अपने पिलो के पास रख सकते हो, या फिर अपने पास जब आप सोते हो, स्पेशली ये आपके पिलो के नीचे हो तो बेटर है, ठीक है, ये आपने अपने पास रखनी है जहाँ पे आप सोते हो। एक तो ये है, ठीक है। अब थर्ड तरीके का विजन बोर्ड कैसा है, वो है डिजिटल विजन बोर्ड, ठीक है। ये बेसिकली आप इंस्टाग्राम मैनिफेस्टेशन विजन बोर्ड बना सकते हैं, मैंने इसकी प्रॉपर एक वीडियो दी हुई है ऑलरेडी, बट स्टिल बेसिकली आपने एक कह सकते हैं हिडन या सीक्रेट अकाउंट क्रिएट करना है, एंड इस अकाउंट से आप ना किसी को फॉलो करोगे ना कोई आपको फॉलो करेगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंट है एंड ये बिल्कुल प्राइवेट रहेगा, इसे कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। सो अगर आप फिजिकल विजन बोर्ड में कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर आप नोटबुक में भी कंफर्टेबल नहीं हो कि कोई देख ले, किसी के हाथ में लग जाए, आप कंफर्टेबल नहीं हो, गो विद दिस इंस्टाग्राम डिजिटल विजन बोर्ड, बिलीव मी बहुत मैजिकली काम करता है। आपने जो फोटोज सेव कर रखी हैं, आपने क्या करना है, आपने एक एक करके विद सच गुड कैप्शंस आपने उनको अपलोड कर देना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, एंड कैप्शंस कुछ ऐसे होने चाहिए जैसे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में घटित हो गई है, ठीक है। सपोज आप नई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसका जो नीचे कैप्शन होगा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, दिस इज़ माई कार, ठीक है। एक्साइटमेंट के साथ आप इमोजीज वगैरह सब ऐड कर सकते हो उसमें, जितना भी आपको मन करता है आप जो चाहे उसमें ऐड कर सकते हो। आपने एक 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 करके जितने भी आपकी विशेज हैं उनको आपने उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर देना है, एंड ये इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ये बिल्कुल प्राइवेट रहेगा, एंड इसका पासवर्ड भी ऑब्वियसली आपके पास ही रहेगा, तो ये जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है ये बिल्कुल आपका सीक्रेट रहेगा,
ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैसे आप इस पर काम करेंगे, ठीक है। हमने क्रिएट कर लिया विजन बोर्ड डिफरेंट तरीके का। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फेसबुक पे सेम क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हो, पिंट्रेस्ट पे आप खुद का बोर्ड बना सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू, बट आई पर्सनली प्रेफर नाउ डेज इंस्टाग्राम विजन बोर्ड, जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको ट्राई किया है एंड उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आप कैसे मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं विजन बोर्ड के थ्रू, ठीक है। अब सपोज करो आपका विजन बोर्ड तैयार है, आपने डेली, मैं ये नहीं कहूँगी कितनी बार, पर डेली कुछ देर तक बैठ के सिर्फ उस विजन बोर्ड को देखना है, उसके पिक्चर्स को ध्यान से देखना है एंड उनकी फीलिंग्स को फील करना है। स्पेशली जो पिक्चर है, सपोज करो कोई कॉलेज आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आपने उस कॉलेज के कैंपस की पिक्चर्स उसमें ऐड की हुई हैं, ठीक है। अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करो कि जो कॉलेज के कैंपस के इमेजेस हैं वहाँ पे आप हो। सपोज कोई पेड़ है कैंपस में, ठीक है, एंड नीचे कुछ बैठने की जगह है। विजुलाइज करो अपने आप को कि आप उस कैंपस में हो एंड आप उस पेड़ के नीचे वहाँ बैठे हुए हो, यानी कि उस पिक्चर में खुद को देखना, खुद को इमेजिन करना। डेली आप मैक्स टू मैक्स 5 to 10 minutes अपने दे सकते हो, उससे ज़्यादा ये नहीं लेगा, बट मैं इतना बोलूँगी डेली आपने अपना जो विजन बोर्ड है उसको एक तरीके से स्कैन करना है, देखना है। अगर आपने नोटबुक बनाई हुई है इसकी विजन बोर्ड की, आपने क्या करना है, रोज़ रात को सोने से पहले इसको आपने देखना है, ठीक है। एक एक पिक्चर को देखना है, अगेन वही अपने आप को उन पिक्चर्स में देखना है कि ये मेरी जिंदगी है, ये दिस इज़ माई लाइफ, ओके। एंड आपने ऐसे कर करके अपनी सारी जो इमेजेस आपने ऐड करी हैं उन सबको आपने एक एक करके देखना है, अपना टाइम देना है एंड उसके बाद आपने इसे बंद करके अपने पिलो के नीचे रखना है और इस पर सोना है। एक ही ये काम आपने करना है। एंड जब आप सुबह सोकर उठते हो तब आप एक बार फिर से स्कैन कर सकते हो एंड उसके बाद फिर से इसको रख दीजिए एंड अपने दिन में आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंस्टाग्राम विजन बोर्ड। इसमें भी सेम आपने करना है, रोज़ रात को सोने से पहले जब भी आपको टाइम मिलता है अपने पिक्चर्स को स्कैन करना है एंड अपने आप को उन पिक्चर्स में देखना है कि मैं उस जगह हूँ, या कोई कार है, काफ़ी ऐसी कार्स की पिक्चर्स होती हैं जिसमें स्टेयरिंग में से हाथ रखा होता है ड्राइव करते हुए। विजुलाइज, फील इट लाइक कि वो आपका हैंड है एंड यू आर ड्राइविंग दैट कार। अपने आप को उस पिक्चर में देखना, फील करना इज इम्पॉर्टेंट। हमारा जो माइंड है वो पिक्चर्स में सोचता है ना, हमें बहुत आसानी होती है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को कैच करने में, ठीक है। हमें खुद से कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वी हैव दिस पिक्चर इन आर माइंड। जब भी आपका मन करता है आप उस पिक्चर को अपने माइंड में चला सकते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने विजन बोर्ड बनाने के बाद जो भी आप लेते हो विजन बोर्ड, या फिर नॉर्मल विजन बोर्ड, नोटबुक या फिर डिजिटल, आपने सिर्फ डेली इतना करना है, थोड़ा सा अपना दिन का टाइम निकाल के उनको आपने स्कैन करना है, देखना है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 5 to 10 minutes से आपका लेगा एंड बिलीव में आपको बहुत हेल्प करेगा। आपने ऑब्वियसली बहुत सारे मैनिफेस्टेशन स्टोरीज को सुना होगा विजन बोर्ड की, कैसे उनका एक गोल था विजन बोर्ड में एंड कैसे वो मैनिफेस्ट हुआ, कैसे चीज़ें हुई, कैसे मैनिफेस्टेशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अनएक्सपेक्टेड तरीके से। लोगों ने इवन सेलिब्रिटी तक से मीटिंग मैनिफेस्ट करी है विद द हेल्प ऑफ विजन बोर्ड, अनएक्सपेक्टेड ट्रिप्स मैनिफेस्ट करी है, मनी मैनिफेस्ट करी है, अपना बिजनेस मैनिफेस्ट करा है। सो विजन बोर्ड्स बहुत अमेजिंगली काम करते हैं। आप इस विजन बोर्ड को, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप 1 January को बना सकते हैं, ठीक है। आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं एंड आप इसको 1 January में क्रिएट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, आई एम नॉट श्योर इफ वो अपलोड हो चुकी है या नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर। मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी, फुल मून आ रहा है 26 December को। एक और चीज़ कर सकते हो, जो आपके पास ये पिक्चर्स हैं आप पिक्चर्स को पहले से कलेक्ट करके रख लो एंड आप इन पिक्चर्स को कुछ देर के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ देर के लिए फुल मून के अंडर एनर्जाइज करने को रख दो। आपका जो ये विजन बोर्ड है ये बहुत ही मैजिकल तरीके से मैनिफेस्ट होगा, बिलीव मी, ठीक है। ये डिजिटली पॉसिबल नहीं है, इवन आई नो दैट, ठीक है। अगर आप नॉर्मल विजन बोर्ड तैयार कर रहे हो या फिर आप नोटबुक वाला मेथड फॉलो करने वाले हो, आप पिक्चर्स को फुल मून के अंडर रख दीजिए एंड उसके बाद अपने विजन बोर्ड के जो भी आप बना रहे हैं उसमें आप लगा दीजिए, दैट्स इट। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है एंड जब हम पिक्चर्स पे फोकस करते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करता है एंड वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। तो आप ये 1 January को भी कर सकते हो या फिर आप 31 December हटके, जब 1 January लगेगा रात के 12 बजे, आप इसको तब भी क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज आप 1 January को दिन में कभी भी कर सकते हो, ठीक है। आप इस चीज़ को ही फॉलो कर सकते हो। विजन बोर्ड्स आर मैजिकल।
एंड अभी से डिसाइड करना कि आप 2024 में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिलीव मी आपका जो पूरा साल है ये मैजिकल रहेगा. एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आपकी जो भी विशेज हैं वो जल्दी से पूरी हो जाए, बिकॉज आई नो ये जो मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत अमेजिंगली काम करते हैं, सिंपल से हैं, फन है. अगर आपको क्राफ्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो आपको ये जो मेथड्स हैं आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, बिलीव मी. ठीक है, सो आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, आपको जो मन करता है आप उनमें और ऐड कर सकते हो. ये कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आपको दिए थे, बट ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है. आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो एंड जो आपको सही लगता है, जो आपको इंट्यूशन आती है, आप उसके अकॉर्डिंग इन प्रोसेसेस को फॉलो करो. इट विल रियली हेल्प यू. ओके, सो अब आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय. थैंक यू सो मच.